तस्वीरों में एक नहीं दो दो जैमर दिखाई दे रहे हैं। ये जैमर किसी भी मोबाइल के सिग्नल को ठप कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही रविवार को दिल्ली के दिल कहे जाने वाले क्राउन प्लेस के पालिका बाजार में हुआ, जब एक दुकान से ये दो चाइनीज जैमर बरामद हुए। पुलिस ने दुकान मालिक रवि माथुर को गिरफ्तार कर लिया है। एनी वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। रवि ने बताया कि ये जैमर लाजपत राय मार्केट से 25,000 रुपए में लाया था और इसे ऊंचे दाम में बेचना चाह रहा था। इस तरह के जैमर बेचने के लिए लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं था। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है, और जो कंसर्न्ड जहां से वेरिफिकेशन हो सकता है इनको फॉलो करके हम इनका वेरिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। इस तरह के जैमर को बेचने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरिएट ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, जिसके मुताबिक कोई इंडिविजुअल शख्स इस जैमर को नहीं बेच सकता है। बता दें कि बरामद हुए चाइनीज जैमर की क्षमता 50 मीटर है, जो आसपास के मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। दिल्ली पुलिस को जैसे ही ये जैमर मिले, उसने तुरंत ही इसकी जानकारी टेलीकम्युनिकेशन विभाग को दी है, और दिल्ली के बाकी बाजारों में भी जांच की जा रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।